हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। और हम सब भी मज़े में हैं। वीडियो है कल का, शुरू किया है मैंने सुबह से क्योंकि मैं बच्चों को स्कूल भेज रही थी और उनका लंच बॉक्स बना रही थी। और आप लोगों को मेरी लंच बॉक्स सीरीज़ अच्छी लगती है, रेसिपी आइडियाज़ पसंद आते हैं, तो आई थॉट चलो मैं रिकॉर्ड करती हूँ। तो मैं यहाँ पर है ना आलू काट रही हूँ। वैसे तो मैंने बनानी है आलू परवल की सब्ज़ी। परवल मैंने कल रात ही काट करके तैयार करके रख दिया था, अभी मैं सिर्फ आलू काट रही हूँ। सब्ज़ी फटाफट से बन जाती है एंड टू माय सरप्राइज सानू खुशी को बहुत अच्छी भी लगती है। मैंने वॉक में डाला है थोड़ा सा ऑयल, सूखी लाल मिर्च, हरी लाल मिर्च, जीरा, हींग, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा भून लीजिए। काला काला नहीं भूनना है, बस थोड़ा एरोमेटिक हो जाए इतना सा भूनेंगे। और उसके बाद जो हमारे आलू है ना वो इसके अंदर ऐड करना है। और अभी ये जो आलू है ना ये मैंने जानबूझ के थोड़े से पतले रखे हैं, लंबे तो हैं बट थोड़े से पतले रखने से ना ये जल्दी से पक जाएंगे और देखने में भी अच्छे लगते हैं। आलू को थोड़ा सा टॉस एंड टर्न कर लीजिए ऑयल में और उसके बाद फिर मैंने परवल ऐड कर दिए हैं। अभी आप इससे भी छोटा काट सकते हो, जितनी छोटा छोटा काटेंगे ना सब्ज़ी उतना ही फटाफट से बन जाएगी और सुबह में बड़ा आराम हो जाता है। इसमें ऐड किया मैंने हल्दी पाउडर और नमक, बस और कुछ नहीं ऐड करेंगे अभी। अच्छी तरह से सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए और फिर इसके बाद इसको ढक्कन लगा कर रखेंगे हम लोग पकने के लिए, जब तक कि आलू पक जाए। परवल तो बहुत जल्दी पक जाते हैं। जब तक आलू की सब्ज़ी बन रही है ना मैं फटाफट से आटा लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। और आटा मैं थोड़ा ज़्यादा ही लगा रही हूँ, बच्चों का टिफ़िन पैक करने के बाद भी आटा बचेगा तो इसके भी मैं बाद में पराठे करके रख दूँगी, तो यही थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। शर्मा जी थोड़ा सा खा करके चले जाएंगे ऑफिस और मैं है ना सुबह में पराठे वराठे नहीं खाती हूँ, तो मैं थोड़ा अपने लिए लंच के हिसाब से भी बना करके रख लूँगी। तो यही हो गया बच्चों का टिफ़िन की भी रेसिपी और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट की भी रेसिपी एंड देन थोड़ा सा लंच में भी यही रह जाएगा। एंड मैं ब्रेकफास्ट में स्मूदी लेती हूँ। मैं कल परसों वीडियो में भी आपको बता रही थी मेरा ABC स्मूदी लेती हूँ एंड देन कोई फ्रूट वगैरह खा लेती हूँ। मतलब मैं पराठा या ऐसा कुछ हैवी नहीं खाती, कुछ हल्का ही रखती हूँ। मेरा सुबह सुबह मन ही नहीं आता है कुछ भी खाने का। तो यहाँ पे आलू अच्छे तरह से पक चुके हैं। ये जो मसाला है जो मैंने दही बड़े के साथ बनाया था वही मसाला थोड़ा सा मैं स्प्रिंकल कर रही हूँ यहाँ पर एंड देन थोड़ा सा आमचूर का पाउडर भी ऐड करूँगी। सूखी सब्ज़ी में अच्छा लगता है आमचूर पाउडर। चुटकी भर ऐड किया मैंने गरम मसाला। और आलू पकते ही ये सब्ज़ी वैसे तो हो चुकी है तैयार बट इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे। आलू है ना अच्छे लाल लाल हो जाएंगे सब तरफ से, तो ऐसा टिक्की जैसा टेस्ट एंड खुशबू आती है। और यही वजह है कि बच्चे मेरे बहुत चाव से खा लेते हैं इस तरह की सब्ज़ियाँ। अगर सिर्फ पीले पीले पके हुए आलू मैं रख दूँगी ना तो शाम में तो डेफिनेटली नहीं खाएगी, खुशी को भी कम पसंद आते हैं। थोड़ा जितना अच्छी तरह भूनेंगे ना सब्ज़ी उतनी अच्छी लगती है, स्पेशली इन टिफिन बॉक्स। सब्ज़ी रेडी हो गई है, उसे रख दिया मैंने एक साइड पे, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, रूम टेम्परेचर हो जाएगा तो टिफ़िन में पैक कर दिया जाएगा। और तब तक मैं दोनों बच्चों के लिए बना लेती हूँ पराठे। और मैं है ना लंच बॉक्स में रोटी नहीं देती, पता नहीं क्यों, मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा ही ड्राई ड्राई हो जाता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो थोड़ा रायता या तो फिर दाल ज़रूरी है। और पूरी वगैरह तो सुबह कभी ही बनती है, बहुत ही मुश्किल, रेयरली। इसीलिए ज़्यादा करके जब लंच बॉक्स में सब्ज़ी जाती है तो उसके साथ में पराठा ही रख देती हूँ। और आजकल बारिश की वजह से थोड़ी ठंडी रहती है सुबह में, तो बच्चों को गर्म दूध दे रही हूँ मैं। गर्मियों में तो वो गर्म दूध बिल्कुल पीते नहीं थे, तो तब ठंडे दूध की कुछ ना कुछ रेसिपी मैं कर देती थी, जूस वगैरह, स्मूदीज़ इस तरह से देती थी उनको सुबह में। बट अभी ठंड है, ठंड में सुबह सुबह ठंडा भी दे देंगे, बच्चों का पानी का भी बहुत काम रहता है सुबह में, तो बेकार में ठंडी लग जाएगी। और आजकल इतना भी इन्फेक्शन फैल रहा है ना, बच्चे मेरे ठीक हो जाते हैं स्कूल जाते हैं और फिर वापस आकर छींकने लगते हैं, इसलिए उन्हें अभी सब गर्म ही दे रही हूँ मैं। और आज उनके फ्रूट बॉक्स में जा रहा है एप्पल। एप्पल को काटने से हो जाता है ये रेड, तो होल तो नहीं दे सकते, पैक करना मुश्किल है और फिर होल बच्चे ठीक से खाएंगे भी नहीं, टाइम भी बहुत लग जाता है, इसलिए मैं इसको ना काट करके इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करके दे देती हूँ। जब शर्मा जी लंच बॉक्स ले जाते थे उनको भी ऐसे ही मैं एप्पल देती थी। लेमन डालने से ना एक तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, काला सा नहीं पड़ता है, लाल लाल हो जाता है ना एप्पल, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। दूसरा ये टेस्टी भी बहुत लगता है। बच्चे लोगों को मैं घर में एप्पल देती हूँ सिंपल काट के, या ऐसे होल भी उन्हें पकड़ा दूँ ना तो नहीं खाते, बड़े नखरे करते हैं, बट ये वाला नींबू डालने की वजह से बड़ा ही टेस्टी हो जाता है। तो हमेशा एम्प्टी कर देते हैं डब्बा। और यहाँ सब्ज़ी भी रूम टेम्परेचर आ चुकी है
है और इसमें से आलू तो सारे खा लिए थे बच्चों ने, परवल के पीसे सारे छोड़ दिए थे, विच आई न्यू कि वो लोग नहीं खाएंगे, बट थोड़ा वैरायटी देना तो बनता है इसलिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। वो है ना ऐसे परवल, बैंगन, गोभी ये सब नहीं खाते, उसके अंदर का आलू और मसाला खा लेते हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत सारी सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब्ज़ियाँ ना बनाऊं, वैसे ही गिनी चुनी सब्ज़ियाँ होती हैं। और हमारे यहाँ पे मतलब इधर जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ तो वैसे भी काफ़ी कम सब्ज़ियाँ मिलती हैं, उसमें भी ऐसे ही कि ये लोग ये नहीं खाएंगे तो वो ना बनाएं, तो घर में सिर्फ आलू और पनीर ही बनेगा फ्रीक्वेंटली। तो इसलिए मैं ना बनाती तो हूँ सब्ज़ी ज़रूर से, पर उसका ना स्टाइल बदल देती हूँ, कभी थोड़ा ग्रेवी कर दिया, कभी ऐसा मसाला, कभी वैसा मसाला, तो उन लोगों को ना पता नहीं चलता उतना ज़्यादा। एंड खुशी मतलब शानू खुशी को परवल क्यों लाई हो आप, हम नहीं खाएंगे, ऐसा था इनिशियली, पर जब मैंने सब्ज़ी बना के दी तो शानू वाज लाइक कि हाँ मामा आप ये देना मुझे वापस टिफ़िन में, ये अच्छी थी। तो मैं इनका डब्बा पैक कर रही हूँ, फ्रूट हो चुका है और सब्ज़ी पराठा हो चुका है और मैं साथ में एक बनाना भी उनको दे रही हूँ। और मैं है ना अभी एक तरह की कुकीज़ बनाने वाली हूँ और वो रेसिपी मेरी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। आप मानेंगे ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं होते हो, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आप लोग की बात भी नहीं होती है, बट स्टिल ऐसा होता है कि अगर उस बंदे से मैं उसको मैसेज करूँ या उससे कुछ क्वेरी करूँ तो सर्टनली वहाँ से आंसर आएगा, वहाँ से रिप्लाई आएगा। मेरा थोड़ा स्पीच आज ब्लर्ड है क्योंकि मेरे यहाँ पर है ना ये जो लिप्स का जॉइंट है यहाँ कुछ हो गया है और थोड़ा सा पेन भी कर रहा है और मुंह खोलने में भी दर्द हो रहा है, तो फॉरगेट इट। मैं आपको बता रही थी कि ऐसे भी रिश्ते होते हैं और कुछ रिश्ते बहुत क्लोज होते हैं, आपकी नज़रों के सामने रोज़ भी हो सकते हैं, बट आप उन्हें मैसेज करें तो उनका मैसेज का रिप्लाई जाने का बात है, कॉल करके छोड़ें तो कॉल देख कर भी वो लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा एक रिश्ता पहले वाले तरह का, शी इज़ माई फ्रेंड एक्चुअली, शी स्टेज इन अबू धाबी और वो शर्मा जी मोनू भैया उन लोग को भाई मानती है और उन्होंने मतलब हैंडमेड राखीज़ भेजी थी दोनों के लिए काफ़ी पहले और उसके साथ ही बहुत सारी गुडीज़ भी भेजी थी, तो उसमें हैंडमेड कुकीज़ भी भेजी थी उन्होंने विच वर अमेजिंग। तो मैंने खाया तो मैंने बोला कि यार ये तो बहुत अच्छी है, हैंडमेड तो लग ही नहीं रही, एकदम ही परफेक्ट वाली जो बेकरी स्टाइल की कुकीज़ होती हैं वैसी लग रही हैं। तो शी सेड कि नहीं, उसने बनाया है, बहुत प्यार से बनाया, एंड देन शी शेयर द रेसिपी विद मी बिकॉज शी नोज़ कि मुझे भी थोड़ा सा इंटरेस्ट है न्यू रेसिपीज़ में, कुकिंग में एंड ऑल। तो मैंने उस वक्त वो रेसिपी ट्राई की और कुछ एक इन्ग्रीडियंट्स यहाँ वहाँ हो गए थे, हम लोग की आदत होती है कि रेसिपी में ये वो चाहिए और अगर नहीं अवेलेबल है तो घर में जो है उसमें से कुछ ना कुछ जुगाड़ बिठा लेते हैं, बट वो उस तरह की अच्छी नहीं आई जैसे कि उसने भेजी थी हम लोगों को। तो फिर मैंने अभी कुछ दिन पहले वापस बोला कि यार यू रिमेंबर यू सेंट मी दैट रेसिपी, जो कुकीज़ भेजे थे वो रेसिपी मेरे से मिसप्लेस हो गया है, एक्चुअली वो मेरे व्हाट्सएप चैट पे थी विद इमेजेस एंड ऑल, और प्रॉब्लम मैंने कभी यू नो हम लोग करते ही रहते हैं ना स्टोरेज खाली तो मेरे पास नहीं थी, एंड शी सेड कि गिव मी अ मोमेंट भाभी मैं अभी बताती हूँ, एंड देन उसने मुझे वो रेसिपी भेजा और ये रेसिपी मैं अभी ट्राई करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छे से बिस्किट्स है तो सिंपल वाले ही लेकिन ना इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है, दिखाती हूँ आपको। तो इसमें जो चाहिए लाइक लास्ट टाइम मैंने है ना यहाँ पे आइसिंग शुगर चाहिए और मैंने डाल दिया था पाउडर्ड शुगर, तो पाउडर्ड शुगर इज़ जस्ट शुगर, आइसिंग शुगर में थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च मिला हुआ रहता है। तो अभी मैं बिल्कुल कम्प्लीटली फॉलो करूँगी यही रेसिपी, यही इंस्ट्रक्शंस, एंड आई एम फीलिंग सो गुड। पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको याद करो तो नॉस्टैल्जिया होता है, इट्स बिन लाइक 5-6 years कि हम लोग कभी मिले नहीं हैं बिकॉज शी स्टेज इन अबू धाबी, मैं कभी अबू धाबी गई भी नहीं हूँ और वो कभी यहाँ नहीं आए, बट कॉल्स, वीडियो कॉल्स, मैसेजेस जो पहले काफ़ी थे अभी थोड़ा सा सभी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, अभी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गया है, वॉल्यूम बहुत रिड्यूस हो गया, बट स्टिल ऐसा कॉन्फिडेंस है कि शी इज़ जस्ट अ मैसेज अवे, एंड यू नो वट आई चेरिश सच रिलेशनशिप्स जो यू नो एक्चुअली दिल से निभाए जाते हैं, दिमाग से नहीं।
और ये है वो कुकीज़, घी कुकीज़ या घी बिस्किट भी आप इन्हें कह सकते हो। और सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स इसमें जाते हैं, फटाफट से बन जाती है और लगती बहुत अच्छी है। और इसमें है ना, मतलब रेसिपी भी एकदम आसान है और इंग्रेडिएंट्स भी एकदम आसान है, बट व्हेन यू आर मेकिंग कुकीज़ यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद मेजरमेंट्स। और इसमें हम डालेंगे 1 1/4 यानी कि 200 ग्राम्स 1 1/4 कप ही फ्लावर यानी कि मैदा, और इतनी ही मात्रा में इसमें जाएगा आइसिंग शुगर, कैस्टर शुगर भी नहीं, पाउडर शुगर भी नहीं, आइसिंग शुगर। तो दोनों के दोनों चीज़ें, फ्लावर और आइसिंग शुगर की मात्रा इक्वल है, आइदर 200 ग्राम्स ईच और 1 1/4 कप ईच। और इसके बाद इसके अंदर जाएगा 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा इसमें नहीं जाता है। इसके बाद ये सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से छान लीजिए। इसको छानना बहुत ज़रूरी है, यूँ तो इसमें सारी ही चीज़ें एकदम पाउडर है, कुछ भी रेसिड्यू बचने वाला नहीं है, बट छानने से ना अच्छी तरह मिक्स हो जाते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स। और छानने के बाद भी 1-2 मिनट अच्छी तरह से स्पून से या विस्क की हेल्प से ये जो आपके ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना, इनको मिक्स कर लीजिए अच्छी तरह। मिक्सिंग इज़ मस्ट। और ये कुकीज़ में ओरिजिनली जाता है डालडा या तो हाइड्रोजनेटेड फैट, बट वो तो मेरे घर में कभी भी नहीं होगा, मैं कभी लाती ही नहीं हूँ, लाऊंगी भी नहीं, इसलिए मैं देसी घी का इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा फ़र्क तो डेफिनेटली आएगा, क्योंकि जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स रहते हैं ना, वो बेकरी में बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं। उसी से वो एकदम ऐसा पाउडरी क्रिस्पी सा जो टेक्स्चर आता है ना कुकीज़ में, वो आता है बाहर से। जो भी बेकरी स्टाइल के कुकीज़ खाते हो, वो उसको हाइड्रोजनेटेड फैट में ही बनाते हैं, अनलेस इट इज़ मेंशन कि वो घी कुकीज़ हैं या उसमें बटर यूज़ हुआ है। तो मैं यहाँ पे जो थोड़ा सा सॉलिड रहता है घी, वो ऐड कर रही हूँ, और थोड़ा थोड़ा करके डालिए, बस इतना कि एक डो बन जाए। कोई परफेक्ट मेजरमेंट नहीं है, जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना घी डालें, एक डो जैसा आपको ये मिक्सचर बनाना है। और ये जो कुकी डो है ना, इसको फ्रिज में नहीं रखना, आप डायरेक्ट ही इसे बेक कर सकते हो। एक बेकिंग ट्रे को मैंने पार्चमेंट पेपर से लाइन कर दिया है ग्रीस करने के बाद, और इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे से बॉल बना करके कुकीज़ बना रही हूँ। मैं ऐसे ही आई बॉलिंग करके बना रही हूँ बॉल्स। आप परफेक्ट बॉल्स के लिए जो मेजरिंग स्पून रहती है ना, उसकी हेल्प से डो निकाल करके ऐसे गोले गोले से बना करके रख दीजिए। और रेसिपी बिल्कुल इतनी ही है, एकदम सिंपल, एकदम आसान। और इसके बाद रेसिपी में लिखा था कि आप इसे प्लम से डेकोरेट कर सकते हो, बट मेरे पास प्लम्स नहीं थे, तो जो सुल्तानाज होते हैं ना, ब्लैक वाले जो किशमिश रहते हैं, उससे खुशी इसको डेकोरेट कर रही है। बाय द वे, आप इसके ऊपर प्लम्स या तो सुल्तानाज या तो रेजिन्स या थोड़ा सा ना उंगली की हेल्प से एक डेंट कर दीजिए ऊपर, और जैम भी इसके अंदर भर सकते हो। चाहे तो प्लेन बना लीजिए, मैंने ये वाला बैच में तो फिर भी अनाज लगाए थे, अगले बैच में तो मैंने कुछ नहीं लगाया, एकदम प्लेन ही मैंने इसको बेक किया है। अभी कुकीज़ जाएंगे प्री हीटेड अवन के अंदर बेक होने के लिए। अवन को मैंने 150 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था, और ये कुकीज़ बेक होंगे 150 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 20 मिनट के लिए। और जब तक कुकीज़ बेक हो रहे हैं, मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ डिनर में एक बहुत ही अच्छी बैंगन की सब्ज़ी। अब बैंगन भी एक ऐसी चीज़ है जो मेरे घर में ज़्यादा पसंद नहीं होती, बट मैं जब जाती हूँ सब्ज़ियाँ लेने और मुझे कोई सब्ज़ी इतनी फ्रेश दिखे, तो किसी को पसंद हो ना हो, मैं वो ले आती हूँ, क्योंकि भैया फ्रेश सब्ज़ी है उसका टेस्ट अलग ही लेवल होता है, अलग ही मज़ा आता है। एंड आई नो सबको कैसे खिलाना है। मैंने ये बैंगन देखे ना, तो इतने मतलब फ्रेश टेंडर शाइनी बैंगन थे, मैंने ये ले लिए। और उसके बाद फिर शर्मा जी वाज लाइक कि बैंगन क्यों लाई हो, मेरे को नहीं खाना है। उनको बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं है, सिमिलरली सानवी खुशी को भी पसंद नहीं है। बैंगन का भरता हो तो फिर भी खा लेते हैं, बट इस तरह बैंगन दिखता रहे ना, स्किन उसके दिखते रहे, बीज दिखते रहे, तो वो लोग बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। बट मैं है ना अलग अलग करके इसकी ग्रेवी मसाला, कभी ड्राई, कभी चटपटा, कभी अचारी, कभी थिक, कभी सेमी थिक, कुछ ना कुछ करके ना चेंज कर देती हूँ। फिर सारे के सारे, वाह आज की सब्ज़ी बड़ी मज़ेदार थी। और ये वाले जो बैंगन थे, ये इतने अच्छे लगे शर्मा जी को, ही वाज लाइक कि कभी ये ऑफिस के लिए भी बना के देना। तो बैंगन का जो क्राउन होता है ना, वो मैंने थोड़ा थोड़ा काट लिया है, सिमिलरली मतलब बैंगन साफ कर लिए हैं भरवा के लिए, जैसे साफ करते हैं। बाय दिस टाइम मेरे कुकीज़ हो चुके थे बेक, तो मैंने इसको ओवन के अंदर से निकाल लिया है, और कुकीज़ को वायर्ड रैक पे कूलिंग के लिए रखेंगे। और बन चुके हैं मेरे कुकीज़, तो मैं ना एक छोटी सी वीडियो भेज रही हूँ दिखाने के लिए कि ऐसा बना है मेरा कुकीज़, बताना कैसा है। एंड शी वॉज़ हैप्पी विद द रिज़ल्ट।
बाकी व्हेन शील वॉच द वीडियो देन शील टेल मी कि बाकी क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता था या कैसा मैंने किया। तो एक बैच हो चुका है मेरा बेक, दूसरा बैच जा रहा है बेक होने के लिए। और कुकीज़ तो मैंने बेसिकली बच्चों के टिफ़िन के लिए या टी टाइम के हिसाब से ही बनाए हैं, तो अभी तो टी टाइम भी निकल चुका है, अभी तक हस्बैंड घर आए नहीं हैं, थोड़ा लेट हो जाता है आजकल उनको। तो कढ़ाई में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा ऑयल, सूखी लाल मिर्च, बे लीफ थोड़ा टुकड़ा टुकड़ा करके, और ज़ीरा, एंड देन यहाँ पे दो तीन प्याज ले लीजिए। इसमें प्याज थोड़े ज़्यादा जाते हैं क्योंकि हम बहुत ही बढ़िया वाला मसाला बना रहे हैं जिससे सब बैंगन खा लेंगे। तो प्याज भुनने रख दिया है मैंने, दो टमाटर हैं ये, तो इसको मुझे पेस्ट कर लेना है। एकदम ही फाइन प्योरे नहीं भी बनेगा तो भी चलेगा, थोड़ा थोड़ा सा कोर्स रहेगा ना तो भी टमाटर अच्छे लगते हैं ऐसे लटपटे मसाले में। अगर आप ग्रेवी बना रहे हो ना स्मूथ ग्रेवी, तो फिर टमाटर एकदम बारीक पीसिए, एकदम ही फाइन प्योरी कर लीजिए। हम उस ग्रेवी को छान भी लेते हैं क्योंकि हमें वो स्मूथ चाहिए, बट इस तरह लटपटी ग्रेवीज़ में आपके टमाटर थोड़े कोर्स भी रह जाएंगे तो चलेगा। यह है मेरा 3G पेस्ट, जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ एक साथ मैंने कूट लिए हैं, और प्याज थोड़े से भुन जाएंगे तब मैंने ये ऐड कर दिया है। थोड़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, ऐड करूँगी मैं थोड़ा सा नमक यहाँ पर क्योंकि मुझे जो ये प्याज हैं थोड़े से सॉफ्ट करने हैं, और थोड़ा अच्छी तरह से भुन जाएगा ये प्याज। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर करूँगी मसाले, हल्दी का पाउडर ऐड किया है मैंने, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे मिर्ची का पाउडर, मिर्ची दो तीन तरह से जाएगी इसलिए मैंने पाउडर मिर्ची थोड़ी कम डाली है, थोड़ा धनिया का पाउडर ऐड किया है, आमचूर का पाउडर, कश्मीरी रेड चिलीज़ का पाउडर, देन थोड़ा सा गरम मसाला मैंने यहाँ ऐड किया है, थोड़ा सा हींग इधर ही पे ऐड कर देंगे, देन थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर, इसलिए मैंने लाल मिर्ची थोड़ी सी कम डाली थी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। आप चाहें तो थोड़ा और ज़ीरा का पाउडर, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर अवेलेबल हो तो ऐड कीजिएगा। अब ये मसाला मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है क्योंकि चिपकने लगा था, पाउडर मसाले जल ना जाए इसके लिए पानी डाल करके थोड़ा इसे मैं भून रही हूँ, ऑल्सो पैन भी डीग्लेज हो जाएगा। अब ये मसाला इसमें से तेल छूटने लगे तब तक मेरे को अच्छी तरह से भूनना है, और बढ़िया तरीके से मसाला भुन चुका है, ऑयल ओज आउट हो गया है। तो इस स्टेज पे इसके अंदर ऐड करेंगे कसूरी मेथी, ऐसे रफली ही मैं इसे पाउडर करूँगी, एकदम फाइन पाउडर करने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। मसाला एकदम ही अच्छा भुनकर तैयार है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे हमारे जो टमाटर हम लोगों ने पीसे थे, एंड देन अच्छी तरह मिक्स दे दीजिए। और अभी ये ग्रेवी को मैं एकदम स्लो फ्लेम पे करके रख दूँगी भुनने के लिए क्योंकि अभी मुझे एक और तैयारी करनी है, इसलिए इसे साइड में रखे रहने दीजिए, स्लो फ्लेम पे अपने आप भुन जाएगी 5-7 मिनट में। तब तक जो हमारे बैंगन है ना उसे इस तरह से काट लीजिए, एक बैंगन के 4 हिस्से कर लेंगे। अभी इस रेसिपी के लिए आपको कोई भी छोटी वैरायटी के बैंगन मिल जाएँ वो चलेंगे। मैंने यहाँ पे बैंगनी बैंगन लिया है, आप वाइट वाला, ग्रीन वाला भी ले सकते हो, लंबा वाला भी ले सकते हो, बट कोशिश कीजिएगा थोड़े से छोटे रहें, तो इनके अंदर बहुत अच्छे से मसाला चला जाता है तो ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। आप मतलब जो भी आपको बैंगन पसंद आता है ना, जैसे मैं बोल रही हूँ लंबे बैंगन वो तो यूजुअली बड़े बड़े होते हैं, बट उसमें से भी ना थोड़े छोटे वाले जिनका साइज़ छोटा हो वो बैंगन लीजिएगा, तो वो है ना थोड़े ज़्यादा क्रीमी लगते हैं और बहुत अच्छे से मसाले के साथ है ना घुल मिल जाते हैं, अलग से ऐसा बैंगन बैंगन जैसा टेस्ट नहीं आता है। और इसके बाद ये सारे ही बैंगन जो हैं गरम तेल में मैं फ्राई कर लूँगी क्योंकि बैंगन एकदम छोटे छोटे हैं तो मैंने इसमें मसाला नहीं किया है। थोड़े भी बड़े बैंगन हैं जो आप इस्तेमाल कर रहे हो तो अंदर थोड़ा सा हल्दी नमक का पाउडर मिक्स करके अंदर थोड़ा सा रब कीजिएगा बैंगन में, इससे बाद में ग्रेवी के साथ मिलके जब आप उसे खाएंगे ना तो बैंगन फीके फीके नहीं लगेंगे। तो जो बैंगन है वो एकदम छोटे छोटे से हैं, जल्दी से फ्राई हो जाएंगे। यहाँ मेरा मसाला भुन करके हो गया है रेडी, ऐड कर रही हूँ मैं इसके अंदर नमक थोड़ा टेस्ट के हिसाब से, और इस स्टेज पर मेरा मसाला भुन कर रेडी है और बैंगन भी मुझे एकदम ही डन लग रहे हैं, पूरा 100% यहाँ कुक ना भी हो तो भी चलेगा, बट ये एकदम छोटे छोटे हैं तो ये तो एकदम ही डन हो चुके हैं। यहाँ पर कलर देखे कितना अच्छा हो गया है, और ये सब्ज़ी इतनी अच्छी बनी थी ना, आप एक बार ज़रूर से ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। बिल्कुल मेरे बैंगन फ्राई होकर बिल्कुल पक भी चुके हैं। अब ये जो बैंगन है ये मैं इस मसाला के अंदर ऐड कर दूंगी और ये सब्ज़ी बस रेडी भी हो गई है। अगर आप इसको पराठा के साथ एंजॉय करना चाहते हो, टिफ़िन बॉक्स में भी दी जा सकती है ये सब्ज़ी, थोड़ा सा पकाने में टाइम लगता है बट अगर आपका हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स दोपहर में जाता है तो आप ट्राई कर सकते हो इसे, बहुत अच्छी लगेगी ये सब्ज़ी। इस तरह ड्राई ड्राई विद पराठा अमेजिंग लगती है, बट हम खाएंगे इसको राइस के साथ इसलिए थोड़ा मैं पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ।
और अचारी सा मसाला है ना इसका, इसलिए मैंने अपने लिए 2 हरी मिर्ची ऊपर से ऐड कर दी है। ये मिर्ची मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। और ये जो सब्ज़ी है इसमें कंसिस्टेंसी आप आपके हिसाब से रखिए, लटपटी या सेमी ड्राई। तो जो नमक रहता है, मिर्ची रहती है और थिकनेस रहती है ना मतलब ग्रेवी की, वो तो हर किसी की इंडिविजुअल चॉइस होती है, हर घर में अलग तरह से प्रेफर किया जाता है। तो ये तो हो गई सब्ज़ी हमारी वाली तैयार मेरे हिसाब से। और मैंने है ना आज डिशवॉशर लगाते हुए हमारा अगरबत्ती का स्टैंड जो है ना ये भी डाल दिया था। और मैं दिखाना चाह रही थी आपको कि मैं खुद देखकर एकदम हैरान हो गई हूँ, कितना बढ़िया अंदर तक साफ़ हुआ है। अगर आपके घर में अगरबत्ती स्टैंड है ना तो आपको पता है ये कितना अंदर से काला काला हो जाता है, और ये जो इसका लिड होता है ऊपर वाला जो ढक्कन लगाता है, ये तो पूरा अंदर एकदम ग्रीजी ग्रीजी काला काला टार जैसा चिपक जाता है। मैं इसे यूजुअली हाथ से धोती थी क्योंकि मुझे लगता था डिशवॉशर में क्या ही धोना, पीतांबरी वगैरह से करती थी, बट नहीं आता था वो मज़ा। और आज इतना एकदम स्पार्कलिंग क्लीन ये निकल कर आया है एंड आई वॉज़ फीलिंग सो डिलाइटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। और डिशवॉशर में है ना कॉपर के बर्तन भी बहुत सुंदर निकल कर आते हैं। तो इसके बाद टाइम हो गया हमारा डिनर करने का, तो मैं खाना सर्व कर रही हूँ। बस इसी के साथ आ गए इस वीडियो के एंड पर। वीडियो में आपको कुछ भी कहीं भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक। अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट मोटिवेट्स मी एंड आई विल बी वेटिंग टू सी यू ऑल इन द कॉमेंट सेक्शन।